हाय गाइस, वेलकम टू मेट फ्रॉम कार्स। मैं हूं जे और आज मैं खेलूंगा डेवल मे क्राई 5 का मिशन 3। तो चलते हैं मिशन की तरफ। All right, move out. So much for teamwork. Wirebound का ट्यूटोरियल, कुछ नई चीज इंट्रोड्यूस हुई है। ओके, बेसिकली एक टाइप का प्लेटफॉर्म है जिस पे खड़े हो के आप आई गेस ग्रैपल कर पाएंगे। ऐसा ही कुछ पिछले डेवल में क्राई में था। वायर हुक, ओके। एरिया एक्सप्लोर करना ज़रूरी है क्योंकि इससे कुछ एडिशनल ऑर्ब्स मिल जाते हैं। वायर बाउंड टू, के जंप करके नहीं ग्रैपल करता क्योंकि पिछले गेम में जंप करके ग्रैपल किया जा सकता था। लगता है कोई न्यू डायमंड्स की एंट्री होने वाली है। तो विंग डिसेप्शन, और ये तो प्यारे बैट आ गए। प्यारे तो नहीं लग रहे। उड़ती हुई मखलूक कुछ ज़्यादा ही है इस गेम में। इनको मारना थोड़ा सरदर्द हो जाता है। कॉम्बोस पे पूरा ध्यान देंगे, पॉसिबल हो तो एस रैंक की तरफ जाएंगे। कुछ कॉम्बोज मैंने अनलॉक किए हैं लेकिन अभी तक उनको टेस्ट नहीं किया, तो डेफिनेटली इसमें टेस्ट करके कोशिश करेंगे कि हमारा कॉम्बो रैंक इंक्रीज हो सके। मजीद एक्सप्लोर करते हुए हेल्थ कंप्लीट हो गई और आई गेस पिछले राउंड में हमारा हमारा विटैलिटी पॉइंट बढ़ चुका है एक डॉट, या नहीं बढ़ा। तो बेसिकली जो ट्री है जिसने जो कब्जा कर रहा है उसके इस तरह की कुछ ब्रांचेस बनी हुई है जगह जगह जहाँ पे पहुँच के बॉस बैटल होती है। जैसे कि मिशन टू में एक बॉस को मार चुके हम जो डेमन किंग बनना चाहता था या डीमन किंग। कुछ खास नहीं मिला अभी तक एक्सप्लोर करने से। तो ये जल्लाद फिर से आ चुके हैं लेकिन ये सिर्फ तीन है। अगर ये कुछ ज़्यादा होते तो कॉम्बो रैंक एस रैंक लेने में थोड़ी आसानी हो जाती। शिट, कॉम्बो टूट गया। इसका वेट का ऑप्शन मुझे अब तक अच्छा नहीं लगा क्योंकि कुछ ज़्यादा ही वाइड जंप मार देता है तो कॉम्बो कंटिन्यू करने में प्रॉब्लम हो जाती है। बैकग्राउंड में कुछ रेड ऑर्ब्स पड़े हैं। कमान 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 एस रैंक, ये तो मर गया। तबाह हो, बर्बाद कर दिया हमने इसे। हेल्थ मिल गई,
मजीद रेड ऑर्ब्स, कुछ गोल्डन चमक रहा है यहाँ। ओ गोल्ड ऑर्ब, तो गोल्ड ऑर्ब का ऑप्शन हमें मिशन 2 में मिला था, यानी डेली लॉगिन करने से भी आपको गोल्ड ऑर्ब मिलता है। अब तक मैं 3 दिन लगातार लॉगिन कर चुका हूँ, तो गोल्ड ऑर्ब ही दिया जा रहा है। जो बेसिकली आप जब फेल हो जाते हैं ड्यूरिंग मिशन, तो आपको रिवाइव करने का पूरा मौका मिलता है फुल वाइटलिटी के साथ। डेवल ब्रेकर, अभी तक हमारा कोई ब्रेक नहीं हुआ, तो मजीद हम उठा नहीं सकते। 3 की लिमिट है मजीद, आप इन्वेंट्री में इसको बड़ा अपग्रेड कर सकते हैं इसके अकाउंट को, जो मैंने अब तक नहीं किया। यहाँ कैसे पहुँचा जाए, कोई तो रास्ता होगा। उप्स, ये तो हम वापस आ गए। बहुत पक्का किस्म का डिश लगा हुआ है ये, पूरी दुनिया बर्बाद हो गई लेकिन डिश वही है। ये वी लड़ रहा है यहाँ पे। एक्चुअली इसमें ऑनलाइन नेटवर्क है, जिसमें आप दूसरे प्लेयर कोई आपके आसपास खेल रहा है सेम लेवल में, तो आपको वो शो होगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कोई ऑनलाइन प्लेयर है जो सेम मिशन में है। क्रिम क्रिप का ट्यूटोरियल, से हम ग्रैपल क्यों नहीं कर पा रहे? ओ सॉरी, उसको शूट करके ही ग्रैपल कर सकते हैं, या गेम के मुताबिक क्रिप कर सकते हैं। कुछ ज़्यादा ही डेवल ब्रेकर पड़े हैं यहाँ पे, लेकिन डीमंस ही नहीं है तो यूज़ कहाँ करेंगे। थोड़ा बोरिंग सा मिशन है, एक्सप्लोर ज़्यादा करना है और फाइट कम है। एक और नाकामयाब जंप, एक दफ़ा फिर से ट्राई करते हैं। पहुंच गए हम। ओह शुक्र है कोई तो आया। ये भागता क्यों रह जाता है ये? जल्दी जल्दी, कॉम्बो टूट जाएगा। बी रैंक है अब तक। ए, और ये भी मर गया। एक तो ये बड़ा प्रॉब्लम है। यहाँ कोशिश करते हैं एस रैंक के लिए। बेसिकली मैं 5 टाइम ट्रायंगल्स का कॉम्बो ट्राई कर रहा हूँ, जो कि कामयाब नहीं हुआ। और एक और गोल्ड ऑर्ब। मजीद हेल्थ, जिसकी हमें ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ओह नाइस,
काफी ज्यादा ऑर्ब्स मिल रहे हैं इससे। अब तक मिशन में कुछ खास प्रोग्रेस नहीं हुई। सिर्फ ऑर्ब्स और कुछ छोटे मोटे एनिमीज, एक और गोल्ड ऑर्ब। एक ही लेवल में तीन गोल्ड ऑर्ब्स मिल चुके हैं, जबकि हमें ब्लू की ज़्यादा ज़रूरत है। रेड ऑर्ब जोड़ रहे हैं ग्रीन ऑर्ब लेके। मुझे लगता है कि अगर हेल्थ कम फुल हो तो ग्रीन ऑर्ब रेड ऑर्ब में तब्दील हो जाता है। डेमेंट्री ब्लड क्लॉट्स, तो क्लॉट्स को तोड़ के कोई बेसिकली रास्ते अनलॉक होंगे, जैसा कि कटसीन में आप देख रहे हैं कि हो चुका है। तो ये क्लॉट्स डिस्ट्रॉय करके रेड ऑर्ब्स भी मिलेंगे और रास्ता भी अनलॉक होगा। जाना उस तरफ है लेकिन कुछ रेड ऑर्ब्स जमा करने। ये मिशन थोड़ा बोरिंग सा है, सिवाय बैटमैन बन के ग्रैपल करने के अब तक कुछ किया नहीं। उप्स, पड़ गई, नहीं बच गए। तो अब इसकी रूट्स ढूंढनी है और ये रास्ता अनलॉक करना है। तो इन भाईजान की रूट्स कहाँ से आ रही हैं? आई गेस ये है। बिंगो, हमें मिल गया रास्ता। उप्स, ये तो सिर्फ एक शाख थी, तो ढूंढनी है मजीद डीमंस, लेकिन कोई नजर तो नहीं आ रहा, सिर्फ आवाज आ रही है। धोखा हुआ हमारे साथ। उफ, से तो पीछे हैं भाई जान, आवाज ही दे दो, हम पीछे खड़े हैं। ओ शिट, नहीं छोड़ेंगे हम तुझे, तूने हमारा कॉम्बो तोड़ा है। कॉम्बो में वैरायटी होनी चाहिए तो उतना तेजी से बढ़ता है आपका, यानी स्टाइल डिफरेंट होना चाहिए, डिफरेंट वेरिएशंस के साथ लड़ने से और डिफरेंट कॉम्बोज यूज करने से कॉम्बो रैंक अब तेजी से बढ़ता है। कुछ पीछे मिस हुआ, वो रास्ता कहाँ जाता है और ये रास्ता कहाँ जाता है, लेकिन गेम के मुताबिक हमें वहाँ जाना है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं यहाँ पे, तो वापस चलते हैं। ओह, कुछ मिस किया मैंने, ये तो डेवल ब्रेकर है। यहाँ पे हैं इसकी रूट्स। रास्ता अनलॉक हो गया लेकिन सील भी आ चुकी है, तो इन एनिमीज को मार के ही मजीद आगे जा सकेंगे।
ये जुगनू फिर से आ गए, काफी टाइम से छक्के नहीं लगे थे, लेकिन छक्के का फायदा नहीं हो, वो छक्का छक्का ही हो गया। ओ इसको इसने फिर से हेल्थ जनरेट कर दी इसकी, जुगनू ने। तो जुगनू खतरनाक है या नहीं? ये कसाई भी आ गया यहाँ पे। उप्स, कॉम्बो टूट गया। कैमरा एंगल्स का ये बड़ा प्रॉब्लम रहता है, आपको पता नहीं चलता कि पीछे से भी कोई वार कर सकता है। भगोड़ा भगोड़ा नहीं, आई मीन पीछे से वार करता है। शेट, ये भी मर गया। एस रैंक हमारे नसीब में नहीं है दोस्त। हेल्थ ले लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। यहाँ कोई सीक्रेट एरिया हो सकता है, ट्राई कर लेते हैं। नहीं, ओप्स, बिंगो। ओ बिंगो बिंगो। ये क्या दिखाया जा रहा था? रास्ता है। काफी ज्यादा डेवल ब्रेकर है इस लेवल में। इसको शूट नहीं कर पा रहे। ये क्या था? दो रास्ते फिर से। नाइस। ओ दर्जी भी है इसमें, सॉरी ये दर्जी नहीं, नाई है। चले अपने बाल तो काट लो। सीक्रेट ऑफ क्या? एनाइलेशन। सीजर्स, कौन सी सीजर्स? डेथ ऑफ सीजर्स समथिंग। तोड़ फोड़ कर देते हैं यहां पे। पीछे जरूर कुछ मिस हुआ है, अगर रास्ता ये है तो वहां कुछ होगा। सीक्रेट एरिया जाना वहां है तो पहले यहां जाके चेक करते हैं। ओ ब्लू रॉग राइस, नाइस नाइस। वाइटैलिटी हमारी बढ़ चुकी है, अब बड़ी है तो हमारे पास तीन थे बेसिकली, अब चार हो गए हैं। बचाओ, अब इतना ऊपर फिर जाना पड़ेगा। तो इसे हमने चेक नहीं किया कि बेसिकली करता क्या है। नहीं तो सिर्फ यहीं से शूट होता है ये। ओह सिर्फ इसके लिए इतनी मेहनत? मैडम गई कहाँ? हो आ गई। ये ब्लॉक कर रही है या इसको हिट लग रही है? इस गेम में कसाई भी हैं, नाई भी हैं, बस हलवाई रह गए हैं। हो सकता है आगे हलवाई भी हो। ओ तो गुस्सा हो गई। तो ये मोहतरमा ब्लॉक कर रही है सारे मूव। ये पड़ी। ओप्स,
कैसे बचे हम लोग पता नहीं। ओ ओ ओ ओ ये शेल्फ्स बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं, व्यू खराब कर देती हैं। मैडम की कैंची तोड़ दी हमने। कहाँ गई मैडम? सील ऑन है तो इसका मतलब जिंदा है। उप्स, इसको लेने की फिर ओ यहाँ है। फिर से कैंची ले आइए, तो बहुत ही बेगैरत हैं आप। ये ले। मर क्यों नहीं रही है? ये ले, मर मर मर। मजीद कुछ नहीं इस एरिया में, लेकिन दाएं बाएं सीढ़ियां जा रही हैं। ये कुछ नया हाथ लग रहा है, रेड कलर का। ओ, मजीद रेड ऑर्ब्स। उप्स, नहीं पहुंच पाए फिर से। आराम से जाते हैं, स्टेप बाय स्टेप। ये पहला स्टेप, सेकंड स्टेप। ओ ऐसी चीजों पे बड़ा गुस्सा आता है, लेकिन शॉर्टकट यूज करते हैं, पीछे से जाते हैं क्योंकि वहां से करीब है। कुछ 26,000 एडॉप्ट हो गए। ओ ओ वो जो यूनिक सा डेवल ब्रेकर था वो यूज कर दिया। इस मिशन में कुछ ज्यादा डीमंस नहीं थे लड़ने के लिए, तो निको को कॉल कर लेते हैं। निको, वी मिस यू, कम बैक। तो यहाँ पे मैं रिकॉर्डिंग थोड़ी देर के लिए स्टॉप करूँगा। आपको जो भी अपग्रेड लेने हैं आप ले सकते हैं, और मैं अपने प्ले स्टाइल के मुताबिक अपग्रेड लेता हूँ। तो करेक्टर मेरा अपग्रेड हो चुका है। कट सीन। ओ हम लोग आ गए दरख्त के पास, तो मुझे लग रहा है बॉस बैटल होगी। हाँ बिल्कुल, आर्टेमिस। ओ ये तो कुछ ड्यूरिजन की तरह अटैक कर रही है। What? No chit chat or monologue? Just getting right to the point, huh? Nice. Steven, something different about it. Thank you.
पहले इसका पैटर्न देख लेते हैं कि इसका अटैकिंग पैटर्न क्या है, ताकि उसके मुताबिक हम डिफेंस से अटैक कर पाएं। तो अब तक इसने कुछ 3 से 4 मूव कर लिए हैं। ये कोई नई चीज मैडम ने याद की है। सर्कल्स आ रहे हैं। ओ ओ तक समझ नहीं आ रही बचना किससे मारना किसको है। ओ तो ऐसा भी हो सकता है। ओ शिट, ये तो दोबारा एक्टिवेट हो गए। तो यानी पहले इनसे बचना है, फिर इनको मारना, यानी इनको डैमेज करके ये ग्रैपलिंग पॉइंट बन जाएंगे। ये आंटी कहाँ चली गई हैं? मैडम हम यहाँ लड़ने आए हैं, आप नीचे आएंगी प्लीज़? ये कुछ ख़तरनाक करने वाली है, ऐसा महसूस हो रहा है। जो भी करने वाली थी कर नहीं पाई, क्योंकि हम भी डेवल हंटर हैं। इसको कुछ सायरन एबिलिटीज देनी चाहिए थी, जिसमें चीखती पुकारती और कुछ शॉक वेव्स आती तो अच्छा हो जाता। मार किसको रहा हूँ? ये फिर कोई गंदी हरकत करने वाली है। देखा, गंदी औरत गंदी हरकत है। उप्स, मैं तो पीछे था इसके। ओ ओ शिट, कुछ चीज़ों से बचना बेहद आसान है, लेकिन कुछ को डॉच करना थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, आप जगह पे टिकेंगी ताकि हम आपको मार पाएं। शिट, ओ ओ नाइस, अच्छी बैंड बजाई आपने हमारी। अब हमारी बारी। ये कहाँ चला गया? ओ भाई कहाँ आप? सुपरमैन बन गया था नीरो। बिल्कुल थोड़ी सी हेल्थ बाकी है और एक और हिट, मजीद एक हिट और ये चीज मेरे अजीज। ये मैडम तो कुछ ज्यादा ही गुस्सा हो गई है। नाइस, एक आखिरी चीख के साथ मोहतरमा का खात्मा हुआ। ये औरत जानी पहचानी लग रही है। लेडी डांटे की दोस्त। From my gunsmith days. What? Can't believe you do this to Kyrie. I'm gonna have to tell her, man. I'm joking. Hey, loosen up your jock strap. Don't do anything I wouldn't do. Chicka bow wow, chicka bow wow. Yeah. Kyrie would kill me right now. इको ने फिर से कुछ उठा लिया है। दैट्स मीन के
नेक्स्ट मिशन में कुछ नया अपग्रेड आने वाला है और इसके साथ हमारा मिशन कंप्लीट होता है। वाओ एस रैंक अनएक्सपेक्टेड, क्योंकि हमें किसी बैटल में एस रैंक मिला ही नहीं, शायद AAAX हो गया है। तो मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटे पे घंटा दबा दें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। So, V, you think this kid can kill Urizen? One can only hope. But for now, we have a more pressing engagement.